दोस्तों, मैं हूं संतोष निकम और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइज, आज की वीडियो को शुरू करेंगे जो कल मैंने आपको कॉल्स दिया था उनके साथ में। गाइज, मैंने आपको कहा था 35,670 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है या फिर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो फिर आप लोग इसे 35,750 के टारगेट के लिए इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो गाइज, ये बैंक निफ्टी जो है वो कल सुबह सुबह जब ओपन हो गई थी तो काफ़ी अच्छे खासे बुलिश थी, तो इसमें बाई साइड में आप लोगों को कोई एंट्री नहीं दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक पुट बाय के लिए दिया था जो कि लगभग इस टारगेट के लिए था। इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो हम लोगों को मिला था। गाइज, इसमें देखने वाली चीज़ ये थी कि जैसे ही ये नीचे फॉल हो रहा था तो इसने पैटर्न्स जो हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो अगर देखा नहीं तो जाकर के देख लीजिए कि ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे, ये कौन सा पैटर्न है। ये बियरिश पैटर्न था, इस पे से काफ़ी अच्छा आप लोगों को जो है डाउन साइड में जो है फॉल देखने को मिला। उसके बाद में गाइस, बैंक निफ्टी जो है डाउन साइड में मैंने आपको जो लेवल दिया था वो 35,470 के नीचे दिया था, उसके नीचे आप लोगों को इसे सेल करना था। इस कैंडल में देखिए गाइज, इसने इसमें बाइंग प्रेशर था थोड़ा सा, हैमर कैंडल थी ये, तो उस हिसाब से इस कैंडल में तो कोई बाय हुआ नहीं था, लेकिन पूरे दिन भर देखिए ये लेवल पे बैंक निफ्टी जब यहाँ से जाकर के एक लेवल रीटेस्ट करके नीचे आ जाए तब डेफिनेटली हम लोग इसे प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग पुट में एंट्री ले सकते थे या फिर फ्यूचर में ले सकते थे। गाइज, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, तो प्राइस एक्शन ये होता है कि गाइज, अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलरली ऐसा गिर रहा है नीचे, वो किसी सपोर्ट को, अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऐसे बाउंस होता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये चीज़ जान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक ऐसे आ रहा है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाकर के एक स्विंग क्रिएट करके अगर ब्रेक कर रहा है तो मतलब उसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो अच्छा खासा है और वो जो स्टॉक है वो गिरने वाला है। ये होता है एक प्राइस एक्शन का एक बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो गाइज, इसके नीचे 35,380 और 35,324 हमारे टारगेट्स थे डाउन साइड में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे इसी लेवल्स पे वो एक्टिवेट हो गया था, तो यहाँ से यहाँ पे तक आपको शानदार रैली मिली थी। उसके बाद में मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइन्स होते हैं, ये ड्रॉ कर लीजिए। इसी लाइन से ये रिवर्स हुआ है एग्जैक्टली, और डाउन से भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद में गाइज, जो निफ्टी दिया था, तो गाइज निफ्टी देखिए ओपन कहाँ पे हुआ था एग्जैक्टली, जो बाइंग का कल लेवल दिया था मैंने आपको 15,600 का, उसी लेवल पे वो ओपन हो गया। फर्स्ट टारगेट था 15,623 और 15,652, एग्जैक्टली इसने दोनों टारगेट अपसाइड में दे दिए हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों को पता नहीं है गाइज, तो ये है बियरिश एनगल्फिंग, इसे कहते हैं। बियरिश एनगल्फिंग का मतलब है कि मार्केट में डाउनफॉल जो है वो आ सकता है। तो उसके बाद में अगर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप लोगों को प्राइस एक्शन पता होनी चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों को शानदार पी साइड में या फिर फ्यूचर के सेल साइड में आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे सी मूवमेंट जो है देखने को मिली। फिर से देखिए गाइज, इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और इसी लेवल से जो है निफ्टी रिटर्न हो गई और फिर से यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया इसने और यहाँ से फिर से रिटर्न हो गई। जब क्लोज हो गया तो भी हमारे ही लेवल को इसने रेजिस्टेंस बनाया और इसी लेवल पे ये क्लोज हो गई। इसलिए ये लाइंस जो हैं, लाइन टू लाइन ट्रेडिंग कीजिए, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पे ट्रेड कीजिए, सिर्फ ये अमाउंट्स देख करके ट्रेड मत कीजिए, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो जो भी मैं आपको डेली बेसिस पे कॉल देता हूँ वहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, आप लोगों को लाइन टू लाइन ट्रेडिंग करनी है, लेवल टू लेवल, लेवल्स आपके ट्रेडिंग के लिए गाइज। तो गाइज, उसके बाद में जो मैंने अगला कॉल दिया था आपको इंट्राडे के लिए वो था अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स देखिए गाइज, सुबह मॉर्निंग में हमारे इस लेवल पे ओपन हो गया था, लेकिन इसका क्लोजिंग ऑलमोस्ट हमारे कैंडल वन पे था, तो इसमें कोई बाई साइड में तुरंत एंट्री नहीं बनी थी हमारी, और स्टॉप लॉस के तो वो वैसे भी नज़दीक नहीं आया था। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो नीचे जा रहा था और स्विंग बना करके जब वो अपसाइड मूव में दे रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली इसका बाय एंट्री बन रहा था सेकेंड टाइम पे, और इसने 771 या फिर 772 से लेकर के गाइज यहाँ तक 799, 800 तक, 801 तक भी ये गया था, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था। 700 रुपये का स्टॉक जो है गाइज, ऑलमोस्ट 27-28 रुपीज़ जो है वो गया था इंट्राडे के लिए। तो
इसके लिए आपको प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी ये करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा लाइंस वगैरह ड्रॉ करना आप भी सीख लीजिए। देखिए गाइज, जैसे कि ये एक स्लोपिंग लाइन है मेरे चार्ट पे, देखिए ये कितना परफेक्ट लाइन है। अगर गलती से मान लो किसी का एंट्री यहाँ पे हो भी गया रहता तो भी उसे पता होना चाहिए कि ये स्टॉप लॉस इजिली नहीं लेगा, क्योंकि ये लेवल का वो जो है सपोर्ट लेकर के यहाँ से रिटर्न जा सकता है। इसने दो बार इसी लेवल का सपोर्ट लिया है और यहाँ से ये रिटर्न चला गया। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद से भी सीखनी है आपके जो लेवल से, उस पर आपको ड्रॉ करके रखना है। बाद में गाइज, मैंने दूसरा जो कॉल दिया था वो तो वोल्टास का, वोल्टास 10112, 10116 और 10118 इसने टारगेट दिया है। कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम पे ध्यान देना है। अगर वॉल्यूम के साथ में कैंडल्स ब्रेक हो रही है तो डेफिनेटली वो टारगेट के पास जाएगा। अगर विदाउट वॉल्यूम कर रही है तो फिर आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न्स का जो है वो वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम है और आपका बाई लेवल भी है तो फिर आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हो। साथ में आपका इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहा है क्या, वो भी देखना जरूरी है आप लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा कि निफ्टी पहले ऊपर जा रही थी, और आपको अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम दिख रहा है और ये अगर मैंने लेवल दिया हुआ आपको पता है, तो वॉल्यूम के साथ में आप लोग डेफिनेटली इसमें एंट्री ले सकते हो। उस टाइम आपको जो कैंडल्स हैं उसका क्लोजिंग का वेट करने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन मैं कैंडल क्लोजिंग क्यों आपको बोलता हूँ हमेशा, वो इसलिए क्योंकि आप ना तो इसको देखोगे ना तो इंडेक्स कहाँ है उसको देखोगे, आप सिर्फ इस चीज़ को देखोगे कि इस वीडियो में बोला था कि 10-11 के आसपास हम लोग को बाई करना है, 10-16 टारगेट है, 10-18 टारगेट है ना। तो आप ये चीज़ देखोगे कि वो कैंडल क्लोज हो गई कि नहीं, ना तो आप ये देखोगे कि ये जो स्टॉक है क्या अपने इंडेक्स के हिसाब से जा रहा है, और ना तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे देखोगे। तो गाइज इसमें क्या होता है, कई सारे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, एक लॉजिक पे ये चलता नहीं। इसमें कोई सर्टन बुक मार्क्स है नहीं कि आपको ऐसा ही करना है तो ऐसा ही होता है। टाइम टू टाइम लेवल तो वही रहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करने पड़ते हैं आप लोगों को। तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे थोड़ा ध्यान रखिए। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में बैंक निफ्टी सुबह सुबह आपको बुलिश लग रहा था, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी आ गया था। ये देखो, ये कल वाला वॉल्यूम था आपका, उस वॉल्यूम के बाद में आज आपका ये वॉल्यूम बढ़ा था, तो डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो आने वाला था। तो आप लोगों को इसको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लॉजिक्स जो है इसमें कई सारे लॉजिक्स होते हैं, एक वीडियो के अंदर सारे के सारे बताना पॉसिबल नहीं होता है। सेम जो चीज़ थी गाइज वो थी ACC के साथ में। ACC बाई के लिए दिया था 1990 के ऊपर, 1995 और 2000 इसका ऊपर के साइड में लेवल था। इसने ये यहाँ पे अचीव कर दिया है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में। उसके बाद में गाइज यहाँ इसने एक फॉर्मेशन बनाया है, तो यहाँ आपको आपकी जो पोजीशन है वो उसको एग्जिट करना था। आप इसे सेल साइड में यहीं पे एंटर कर सकते थे प्राइस एक्शन के बेसिस पे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप लोग इस लेवल के नीचे इसको एंट्री लोगे, 1978 के नीचे, 1973, 1969 और 1965 मैंने आपको लेवल्स दिए थे। साथ ही आपको कहा था कि स्टॉप लॉस जो है गाइस उसे आप लोग ट्रेलिंग पे रख लीजिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज बन सके। और देखिए इसने 1960 का लो लगाया है, तो 78 to 60 एक 18 पॉइंट का काफ़ी अच्छा डाउन साइड में भी मूवमेंट दिया इसने। पहली बार इसने अपसाइड में दिया है। अब इसमें कंफर्मेशन और एक था कि निफ्टी भी आपकी गिर रही थी, बैंक निफ्टी भी गिर रही थी। देखिए कुछ लेवल तक निफ्टी ऐसी गिरी थी और निफ्टी भी फिर ऐसे जाकर के फिर फ्लैट हो गई ऊपर जाकर के। तो ये स्टॉक का भी मोमेंटम देखिए सेम वैसे ही स्टॉक कर रहा है, तो मतलब ये ट्रेंड के हिसाब से अपने इंडेक्स के हिसाब से मूव कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है जैसे कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने इंडेक्स के साथ मूव कर रहा है, तो ये आपके लिए ट्रेड करने के लिए अच्छा स्टॉक है। मान लीजिए अगर आपका निफ्टी ऊपर जा रहा है और आपका स्टॉक आपको सेल साइड का सिग्नल दे रहा है, तो क्या आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप लोग सोच लीजिए। आपको पानी के बहाव के साथ तैरना है, पानी के बहाव के अगेंस्ट ज़्यादा देर तक नहीं तैर पाओगे, इसलिए पानी के बहाव के साथ ही तैरना है पड़ेगा आपको। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे जो कल के दिन के लिए मेरे तीन बेहतरीन स्टॉक्स होंगे वो क्या रहेंगे। उससे पहले गाइज अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है गाइज तो लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने पोस्ट किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग एक ट्रेडर हो
या फिर कुछ अलग से सीखना चाहते हो तो वहाँ पे मैं कुछ लेवल्स पोस्ट करते रहता हूँ, साथ में मेरे बेस्ट टू बेस्ट एनालिसिस पे लाइव मार्केट में जो भी कॉल्स होते हैं वो भी वहाँ पे पेस्ट करते रहता हूँ। तो उन सारे चीज़ें जो हैं उनके आप लोगों को जो है बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो गाइज MFSL रहेगा मेरा पहला कॉल, 941 के ऊपर आप लोग इसे बाय कर सकते हैं 931 के स्टॉप लॉस के साथ में। 944, 948 और 952 ये जो है ये हमारा अपसाइड में टारगेट है। अगर ये बाई साइड में ओपन नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता है, तो 931 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। 940 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 927, 923 और 919 ये हमारे डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे। अगेन जो वॉल्यूम है उसको आपको चेक करना है, इंडेक्स को भी आपको चेक करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी आपको चेक करना है। ये मैंने आपको बेहतरीन लेवल्स दिए हुए हैं, ये मेरे मैजिकल लेवल्स है। लेवल टू लेवल गाइज ये एपिसोड नंबर 47 है और अब तक हमें 47 एपिसोड्स में कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है हमारा। तो इस बेसिस पे जो है गाइस आप लोगों को ट्रेड करना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे कि अगर ये आप लोग इसे स्टॉप लॉस बना रहे हो और ऐसा अगर पिन बना रहा है इस पर अगर स्टॉप लॉस है तो वो वैलिड नहीं होता है क्योंकि ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है, ये है क्लोजिंग बेसिस वाला स्टॉप लॉस। अगर कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रही है तो फिर आप लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एग्जिट कर सकते हो, आई मीन वो जो ऑर्डर है उसको एग्जिट कर सकते हो। अगर कट टू कट ऐसा मशीन वाला अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हो या फिर मशीन वाला टारगेट लगा रहे हो या फिर बाइंग सेलिंग का भी ये ऑटोमेटेड अगर आप लोग ऑर्डर लगा रहे हो तो इतना भी एडवांस नहीं हो गए हमारे सॉफ्टवेयर्स गाइस की ये साइकोलॉजी का समझ ले। सॉफ्टवेयर्स को नंबर्स पता चलते हैं, सॉफ्टवेयर को ना तो नीचे का वॉल्यूम पता चलता है ना तो उसको पता है कि आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं, उसको तो बस ये फिगर से मतलब है, ये फिगर जैसे ही आ गया वो एग्जीक्यूट कर लेगा। और स्टॉक मार्केट इतना नंबर्स का खेल आसान नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। तो प्राइस एक्शन जो है उस पर ध्यान रखिए गाइस और कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी। उसके बाद में गाइस जो मेरा सेकंड कॉल रहेगा वो रहेगा बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया 1,544 के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं, 1,546, 1,550 और 1,553 इसके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1,534 क्लोजिंग बेसिस पे। अगर बाई साइड में हमें कोई एंट्री नहीं आती गाइस तो सेल साइड में 1,534 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। 1,543 स्टॉप लॉस रहेगा, 1,529, 1,526, 1,523 इसके डाउन साइड में आपको टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रखिए, सीधा आगे से कोई टारगेट ऑर्डर मत लगा के रखिए, ये ऐसा हिट करेगा और ऐसा निकल जाएगा, उसको पीछे से हमेशा चेज करने की आदत डाल लीजिए ताकि आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटीज है वो मिल सके। उसके बाद में गाइज जो थर्ड कॉल मेरा रहेगा वो रहेगा TCS का। तो TCS में गाइज आप लोग इसे 3,157 के ऊपर बाय कर सकते हो, 3,143 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3,161, 3,165, 3,169 इसके अपसाइड में टारगेट्स रहेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। अगर बाय साइड में इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो 3,143 के नीचे आप लोग इसे सेल कर सकते हैं, 3,139, 3,135 और 3,131 इसके डाउन साइड में लेवल्स हैं। अगेन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रखिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उसके बाद में गाइज हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के कल के दिन के लिए मेरे लेवल्स क्या रहेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरे मैजिकल लेवल्स होते हैं, हमेशा मैजिकल लेवल्स पे मेरे ट्रस्ट कीजिए, ये कभी फेल नहीं होते। तो गाइज अगर बैंक निफ्टी 35,630 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देती है या फिर सस्टेन कर देती है, मेरे वर्ड्स जो हैं उसको ध्यान से सुनिए गाइज, 35,630 के ऊपर ओपन होती है या फिर सस्टेन करती है, सस्टेन का मतलब पता है ना आप लोगों को, मतलब एक ही कैंडल ऐसे बोल रही है और अगली कैंडल ऐसे खुल रही है तो इसको सस्टेन नहीं कहते हैं। सस्टेन का मतलब ये होता है कि उसको रुकना चाहिए, चाहे वो 1 मिनट के चार्ट पे हो, चाहे वो 5 मिनट के, 3 मिनट के टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर लो, उसको सस्टेन होना ज़रूरी होता है। तो गाइज 35,630 के ऊपर आप लोग इसे बाय कर सकते हो, 35,709, 35,791, 35,874, 35,994 आपको अपसाइड में इसके लेवल्स हैं। डाउन साइड में गाइज 35,300 के नीचे आप लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं, 35,229, 35,146, 35,064 और 34,948 आपके डाउन साइड में इसके लेवल्स रहेंगे कल के दिन के लिए। बिगिनर्स के लिए ये रहेगा नो ट्रेड जोन और जो लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन जानते हैं, सेटअप्स जानते हैं, वो लोग इसके बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं।
अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो गाइस, चाहे ओपन ओपन हो कहीं, चाहे नीचे ओपन हो, ये लाइंस ड्रॉ करके रख लीजिए, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आपको बेस्ट टू बेस्ट लेवल्स रहेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे गाइस निफ्टी के जो लेवल्स हैं मेरे वो क्या रहेंगे। तो गाइस निफ्टी पे 15,630 के ऊपर आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, 15,640, 15,652, 15,664 और 15,681 आपको अपसाइड में टारगेट्स रहेंगे इसके। अगर इनके इसे नीचे सस्टेन करता है 15,600 के, तो आप लोग इसे 15,578 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हो, 15,566, 15,549 और 15,519 आपको डाउनसाइड में टारगेट्स रहेंगे। सारे लॉजिक्स, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी की तरह ही रहेंगे, यही लेवल आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये टेंशन मत लीजिए कि कल बैंक निफ्टी ओपन ऊपर होगा कि नीचे होगा, कहीं पे भी ओपन होने दीजिए, निफ्टी को भी कहीं पे भी ओपन होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को इन्हीं जो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स किए, इन्हीं को अपने चार्ट्स पे सेम टू सेम ड्रॉ करके रखना है, यही होने वाले गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के दिन के लिए आपके लिए। तो गाइस ये थे मेरे बेस्ट टू बेस्ट 3 कॉल्स, अच्छे से परफॉर्मेंस रही थी हमारी कल के कॉल्स के भी, साथ में मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी दिए गाइस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए गाइस, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, अगर आप लोग लाइक कर रहे हो तो सामने वाले को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।